अभी मूवीज में एक सीन यहाँ से लिए जाते हैं जहाँ पे संजय दत्त और हीरोइन यहाँ पे आते हैं और मेरा दिल तो कितना पागल है तुम पे मरते हैं तो ये वाला दिखते हैं और सलमान खान रहते हैं खड़े रहते हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पहुँचे हैं तमिलनाडु के कुन्नूर शहर में जो कि ऊटी से 35 किलोमीटर के दूरी पे ये कुन्नूर शहर है। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन है गाइस क्योंकि पुराने ज़माने का जो रेलवे स्टेशन सब जो होता है ना वो सब यहाँ पे दिखता है। यहाँ से क्योंकि मल्टीप्लेस के लिए ट्रेन मिलता है तो यहाँ से मल्टीप्लेस के लिए ट्रेन मिलता है और यहाँ से हम जाने वाले हैं जो कि व्यू पॉइंट जहाँ पे दीवाना मूवीज़ था एक साजन मूवीज़ जो संजय दत्त का और सलमान खान का वही के बारे में आप सभी को हम बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं गाइस। तो ये हो गया कुन्नूर स्टेशन और यहाँ से ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ का व्यू है गाइस। तो यहाँ से चलते हैं व्यू पॉइंट पे और दिखाते हैं गाइस और यहाँ का व्यू बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आप सभी को हम दिखाते हैं यहाँ का व्यू गाइस कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। कुन्नूर रेलवे स्टेशन कुछ इस प्रकार से ये दिख रहा है ये देख सकते हैं और ये ट्रेन जो कहते हैं कहे तो गाइस ये अलकतरा पे शायद चलता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलकतरा है ये देख सकते हैं ये जो यहाँ इसमें ये पूरा अलकतरा तेल है शायद डीजल होता है ना डीजल का गमक आ रहा है पूरा बदबू आ रहा है गैस डीजल का। इधर जाते हैं मल्टीप्लेस गैस ये जो दिख रहा है इधर जाते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ का व्यू रहा कि ये रेलवे स्टेशन है कुन्नूर का ये रेलवे स्टेशन हो गया और यहाँ से यहाँ पे बहुत सारे गाड़ी सब लगे हुए हैं क्योंकि अगर आप आते हैं तो यहाँ से गाड़ी बुक करके जा सकते हैं। तो इधर रास्ता है बाहर निकलने का बाहर निकलते हैं यहाँ से हम बुक किए हुए हैं ये ऑटो जो कि 700 रुपये ली गए। तो चलिए इधर से चलते हैं यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे चाय का खेती ज़्यादा होते हैं तो चाय भी आप सभी को दिखाएंगे किस प्रकार से चाय का खेती है। चाय आप सब पिए होंगे लेकिन देखे नहीं होंगे खेती होते हुए तो वही सब दिखाने वाले हैं इस ब्लॉग के अंदर। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और दिखाते हैं आप सभी को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना गाइस और एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। तो अंकल बोलते हैं टाइगरल टी फैक्ट्री और ये हो गया आपको चट्टान ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये चट्टान बनी हुई है। यहाँ से आगे चलते हैं गाइस दिखाते हैं चलिए अंकल म्यूटी प्लैम बोलते हैं ये जो बोलते हैं आपको म्यूटू प्लैम बोलते हैं इसको यहाँ पे कहे तो गाइस यहाँ पे हिंदी बहुत बहुत कम आते हैं यहाँ का आदमी सबको बहुत दिक्कत हो रहा है क्या करें गाइस। इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं ये जो दिख रहा है ये टी का खेती होते हैं यहाँ पे और वहाँ पे टी कॉफ़ी का दुकान लगे हुए हैं वहाँ पर चल के दिखाएंगे आप सभी को। ये वाला सब ये पूरा टी है जब से टी तो पिए होंगे टी पिए हैं लेकिन टी का गाछ नहीं देखे हैं गाइस आज ये भी देख लिए आज के दिन में ये भी दिख लिए इधर आए तमिलनाडु आए तो ये भी देख लिए जो कि टी का पेड़ भी होते हैं। टी तो हम पिए हैं लेकिन अपने सब हिंदी में बोलते हैं चाय और यहाँ पे बोलते हैं कन्नड़ा में टी तमिल में टी जो कि चाय। तो आप सभी को दिखाते हैं ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा है ये पेड़ सब जो है ना गाइस फोटो वोटो खींचने के लिए यहाँ पे कपड़ा सब रखे हुए हैं ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फोटो सब खिंचा रहे हैं चाचा सब यही आप सभी को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। आगे दिखाएंगे जो कि शूटिंग लोकेशन जहाँ पे दीवाना मूवीज़ में ऋषि कपूर का जो सीन लिए गए हैं यहाँ से लिए गए हैं और देखें ये देख सकते हैं गाइस और यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार के हैं और ये पीछे जो पहाड़े दिख रहे हैं तो यहाँ पे हम चाय का भी पेड़ देख लिए गाइस। चाय का पेड़ तो कभी नहीं देखे थे लेकिन आज देख लिए आज ये भी मनोकामना पूरा हो गया कि चाय का पेड़ भी होते हैं इस पर आप सो भी सकते हैं ऐसे पूरा ऐसे ये जो दिख रहा है ना बहुत अच्छे लग रहे हैं खूबसूरत लग रहे हैं जो कि आप सभी को इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। इधर का खूबसूरती बहुत अच्छे लग रहे हैं ये सब जो दिख रहा है ना गाइस वहाँ से हम निकल गए हैं जहाँ पे हम रुके थे चाय के बारे में बता रहे थे तो वहाँ से हम निकल गए। ये हो गया आपको स्ट्रैम फैक्ट्री वाइल्ड फैक्ट्री चॉकलेट। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं तमिलनाडु के वाइल्ड फैक्ट्री के पास और यहाँ पे वाइल्ड फैक्ट्री ये शॉप जो लिखा सब जो है श्री गणेश इंटरनेशनल प्रेजेंट तो ये यहाँ पे वाइल्ड फैक्ट्री है गाइस ये देख सकते हैं जो कि वाइल्ड फैक्ट्री आप सभी को दिखाते हैं यहाँ अंदर बोलते हैं वाइल्ड फैक्ट्री है देखते हैं अंदर क्या है। तो गाइस यहाँ पे जो है ना गमक लग रहा है बहुत गमक है गमक किस चीज़ का आ रहा है ना वो तेल का है सुन के देखिए भाई। तो गाइस ये जो है ना यूकलिप्टस नीलगिरी
नीलगिरी। तो गाइस सर्दी खांसी जुकाम सीधा जैसे ये जो है ना सर्दी खांसी जुकाम उस चीज का ये यहाँ पे वाइल निकलते हैं ना वाइल, ये जो दिख रहा है ना ये वाइल है, इसे आपको सर्दी जुकाम जो होते हैं ना तो सर्दी जुकाम नहीं होगा इसको लगाने से। और क्या नहीं होता सर्दी खांसी के लिए, दर्द के लिए, बाल के लिए, फेस के लिए 12 वैरायटी का तेल इधर ही रेडी कर दें। ये जो दिख रहा है कैपेसिटी 500 लीटर का ये है, और कितना का मिलता है ये आपको अंदर दिखाएगा, चाय टेस्ट करना। तो गाइस यहाँ पे चाय टेस्ट करने के लिए बता रहे हैं, टेस्ट करके दिखाते हैं सभी को। और ये हो गया कि सौंफ हो गया, सौंफ के अंदर है अभी। गाइस ये हो गया ग्रीन टी, देखते हैं पी के देखते हैं कैसा लग रहा है। गाइस हमको लगा दिया था उसे पहले हम पिए थे ग्रीन टी, और अभी दिया कि मसाला टी। ये है मसाला टी गाइस, और ये हो गया आपको चॉकलेट चाय टी, देखते हैं पी के स्वाद कैसा है। चाय पत्ती जो है ना, ये चाय पत्ती, तो ये सब चाय पत्ती ये टेस्ट करते हैं, जो कि चाय पत्ती यहाँ से आप ले सकते हैं, आपको अच्छे लगे तो ले सकते हैं। और यहाँ पे प्राइस आप सभी को दिखाएंगे कितना लगता है प्राइस एक डब्बा का। तो अना हमको बता सकते हैं मसाला चाय जो हम पी है उसका टेस्ट कैसा था? बहुत अच्छे थे लेकिन उसका टेस्ट, उसका पैकेट कितना का कौन सा है दिखा सकते हैं? 210 मसाला टी। तो गाइस ये हो गया 210 का है कि मसाला टी है, 210 रुपये का ये है मसाला टी, टेस्ट तो बहुत अच्छे थे। तो इधर हो गया आपको वाइल, क्योंकि अनेकों प्रकार का वाइल है यहाँ पे, वाइल का खेती होते हैं गाइस। तो सर्दी जुकाम के लिए ये है, अंकल बता रहे हैं जैसे आपको सर्दी जुकाम होते हैं गाइस तो ये लगा सकते हैं। ये क्या था गाइस ना जो आग जो लगाए थे कपड़ा में इसका बदबू, तो गाइस ये जो वाइल जो है ना इस पर आग लगाया था, और इसको बुझा के जो सूंघे पूरा शरीर का बिगाड़ दिए गाइस। बिहार में ढील मारा दवाई जो होते हैं गाइस अंदर फीलिंग हो रहा है गाइस अभी भी। चलिए इधर से चलते हैं, चाय सब भी टेस्ट कर लिए क्योंकि यहाँ पे चाय सब दिए थे टेस्ट करने के लिए, अगर आपको पसंद आता है तो लीजिए, नहीं पसंद आता है तो नहीं लीजिए। जो कि उसमें वाइल भी था, उसमें आपको सर्दी जुकाम जैसे दर्द बदन का दर्द सब जो होते हैं वो सब नहीं होगा। ये पहाड़ है ये देख सकते हैं, ये वाला व्यू गाइस कितना प्यारा लग रहा है दिखने में जो भी। तो अंकल अभी यहाँ पे रुकाए हैं गाइस क्योंकि क्या दिखाता है हमको, वो अपने मन से रुका है यहाँ पे गाइस। तो गाइस यहाँ पे बोल रहे हैं मेटोपोलियम व्यू पॉइंट ये है। हाँ। आप सभी को दिखाते हैं गाइस आगे का व्यू किस प्रकार का दिख रहा है व्यू पॉइंट। ये आपको हो गया व्यू पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट है, क्योंकि आप सभी को दिखाते हैं वहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है उधर वो व्यू पॉइंट है, वो पूरा व्यू पॉइंट है, इसको बोलते हैं व्यू पॉइंट। और ये जो आपको वहाँ पे जो पानी जो गिर रहा है थोड़ा थोड़ा दिखता है गाइस, ये वाला ये उजर कलर में जो गिर रहा है थोड़ा थोड़ा दिखता है उसको क्या बोलते हैं अंकल? हाँ सुशी पॉइंट, वो उससे उस बगल से दिख रहा है गाइस ये वाला ये वाला लास्ट फोर्स, तो ये हाँ ये लास्ट फोर्स जो पानी से गिर रहा है वो लास्ट फोर्स हो गया, और वो वाला बीच वाला सुशी पॉइंट। तो गाइस वो हो गया सुशी पॉइंट और ये हो गया लास्ट पॉइंट, और वो मंदिर से दिख रहा है। हाँ तो इसको बोलते हैं गाइस लाइन रॉक, वहाँ पे जाता है आदमी सब, पब्लिक जाता है। हाँ, पब्लिक जाता। तो गाइस वहाँ पे पब्लिक भी जाते हैं, वहाँ का रास्ता किधर से? उधर से होगा, उधर से ना अदर भाई ओ माउंटेन। हाँ। फेस ये फेस मतलब ये फेस लेडी फेस और लेडीज फेस। हाँ। वो जो स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट वो सबसे टॉप वाला जो दिख रहा है। हाँ। टॉप वाला इससे क्या होता यहाँ पे अंकल जो कुछ बता रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, जैसे पॉइंट के बारे में पूछते बताते हैं व्यू पॉइंट के बारे में वो सब जो समझ में आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोई बात जो है ना गाइस समझ में साफ नहीं आता है। यहाँ पे एक पेड़ लगे हुए हैं, वो दिखाते हैं आप सभी को किस प्रकार का पेड़ है ये, अंकल से थोड़ा पूछते हैं ये पेड़ किस चीज़ का है। ये जो दिख रहा है बहुत अच्छे पेड़ है गाइस, अंकल ये पेड़ किस चीज़ का है? ये वाला पेड़ जो दिख रहा है ये वाला, तो अंकल को भी नहीं यहाँ पे मालूम है किस चीज़ का पेड़ है गाइस। और यहाँ पे एक और पेड़ है, और कुछ है इधर अंकल दिखने वाला नहीं है ना? डार्फ्लोस। हाँ तो यहाँ से हम चलेंगे जो कि डार्फ्लोस, और यहाँ पे भी एक और पेड़ है गाइस, ये एक पेड़ दिख रहा है
बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये वाला पेड़ तो दिख रहा है ना आपको, ये वाला किस चीज़ का पेड़ होना चाहिए गाइस? वैसे तो हम पता में भी नहीं सकते हैं। यहाँ से नीचे हैं, साइड में है, नहीं जुम रहा है गाइस, हाथ नहीं जुम रहा है ना। एक पेड़ का पत्ता तोड़ते गाइस, कैसा लग रहा है छूने में? बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। जो कि इसका पत्ता दिखने में जैसे बाल होते हैं ना, बाल की तरह इसका पत्ता है, मतलब पातर है, बहुत खिलखिल पातर है, बहुत पतला तार तार जैसे होता है ना, तार की तरह पतला लग रहा है गाइस। और ये ऑटो रहा जो कि इसको हम बुक किए थे गाइस। हम पहुँचे हैं जो कि मल्टीप्लेम व्यू पॉइंट पे, अभी हम पहुँचे हैं जिसको बोलते हैं मल्टीप्लेम व्यू पॉइंट गाइस। और यहाँ से हम बात करें गाइस तो यहाँ से हमको तीन रास्ते दिख रहे हैं, तीन रास्ते दिख रहा है नीचे, चार, एक दो तीन चार पाँच, मतलब सात रास्ते हैं गाइस। और रास्ता नहीं दिख रहा है लेकिन हमको नज़र में आ रहा है अभी तीन रास्ता, एक चार पाँच छः, छः रास्ता दिख रहा है गाइस यहाँ से। क्योंकि आप सभी को दिखाते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना आगे, वहाँ पे पहाड़ी इलाका ना है, लेकिन ये कुछ ऐसा लग रहा है गाइस क्योंकि उसके आगे पहाड़ी नहीं है लेकिन बस्ती है, पूरा बस्ती है। और यहाँ से दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन हम कुनूर से जो पहुँचे हैं यहाँ पे, तो कुनूर से अंकल, कुनूर से कुनूर टू मल्टीप्लेम, तो गाइस कुनूर टू मल्टीप्लेम व्यू पॉइंट जो कि 35 किलोमीटर है यहाँ पे, कुनूर से 35 किलोमीटर ये व्यू दिख रहा है। क्योंकि इससे आगे आप देखेंगे तो इससे आगे पहाड़ नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है छोटा छोटा सा बस्ती, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है गाइस ये सब, ये पूरा बस्ती है। और यहाँ पे ये पूरा धुंधला दिख रहा है, इसके नीचे जाने के लिए नहीं जैसी, तो गाइस देखो ये जो रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता पहले इस रास्ते से जाएंगे तो ऐसे 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 ऐसे, मतलब इससे यहाँ पे पूरा घुमा रहे हैं वैसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब चारों कतन घुमा के ये रास्ता बना हुआ है गाइस। तो हम गाइस जो कि गाइस यहाँ से हम निकल चुके हैं और ये देख सकते हैं ये बस्ती नीचे का कुछ इस प्रकार से ये दिख रहा है। यहाँ से हम निकल चुके हैं, रास्ते का व्यू कुछ इस प्रकार से ये दिख रहा है, ये देख सकते हैं बस्ती, हम नीचे ही जा रहे हैं उधर, ये बस्ती की तरफ जा निकल रहे हैं। बता दें गाइस बहुत घुमान है, ये जो दिख रहा है वो रास्ता पे पूरा घुमा हुआ है ये रास्ता, तो देखते हैं आगे चल के। बस्ती सब जो आपको दिखेगा यहाँ पे पूरा खपरा का ही बना हुआ है, लेकिन कुछ इस टाइप से बनी हुई है गाइस क्योंकि पहाड़ी इलाका है और ऊपर से देखने के लिए वहाँ पे रास्ता साफ है नहीं है, जो कि सबसे लास्ट पॉइंट ये है। यहाँ से कहे तो यहाँ से रास्ता आपको नहीं दिखेगा, आगे जाएंगे तो रास्ता नहीं है। और यहाँ से जो ऋषि कपूर का जो गाइस ऋषि कपूर का जो मूवीज हैं तो यहाँ से शूटिंग किए गए हैं, जहाँ पे साजन मूवीज का शूटिंग हुए थे, संजय दत्त का और सलमान खान का एक मूवीज था, तो साजन मूवीज में ये जो दिख रहा है यहाँ से एक सीन लिए जाते हैं। और यहाँ से बात करें गाइस तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला स्टैचू, यहाँ से भी लिए जाते हैं एक सीन, जो आप सभी को इस वीडियो इस ब्लॉग के अंदर दिखाने वाले हैं उस पे जाके। और यहाँ पे बंदर सब है गाइस, और यहाँ पे दिखाते हैं पहले ये जो दिख रहा है यहाँ से लिए जाते हैं, ये आदमी सब जो खड़े हैं इस जगह से लिए जाते हैं एक पिक्चर। तो गाइस साजन मूवीज़ में एक सीन यहाँ से लिए जाते हैं, जहाँ पे संजय दत्त और हीरोइन माधुरी दीक्षित यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे एक गाना है जो कि गाना में कब बोलते हैं, गाना का बोले गाइस मेरा दिल तो कितना पागल है, ये दिल तुम पे मरते हैं, तो यही गाना है तो यहाँ से लिए गए हैं। क्योंकि उस समय में ये सब जो है ना पिलर सब नहीं रहते हैं, और इसमें ये जो है अभी वो उस समय में वो मतलब सफ़ेद कलर का रहते हैं, अभी इसको पीला कलर में रंग दिए हैं इसको। और यहाँ से लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं जो कि वो ड्रोन से लेते हैं गाइस, ड्रोन से लेते हैं शायद यहाँ से लेते हैं ड्रोन से, चाहे ऊपर से फ़ोटो लेते हैं, तो ये पूरा पॉइंट दिखता है। और आप सभी को उस गाने में यहाँ से दिखता होगा ये जो दिख रहा है ये नीचे का व्यू दिखता है, ये पत्थर सब दिखता रहता है, ऊपर से लेते हैं ना गाइस फ़ोटो,
तो ये वाला दिखता है। एक सीन यहाँ से लिए जाते हैं, ये जो दिख रहा है ना पहाड़ है, यहाँ से लिए जाते हैं जहाँ पे सलमान खान रहते हैं, खड़े रहते हैं शायद यहाँ पे खड़े रहते हैं। तो ये वाला जो दिख रहा है ना पहाड़ों का चोटी, वो पूरा पहाड़ों का चोटी दिख रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ से लिए जाते हैं, जिसमें आपको ये जो दिख रहा है वो पूरा दिखता है, ये वाला कुछ इस प्रकार से दिखता है। और ये नीचे जो है शायद तो सुबह के टाइम में गाइस शूटिंग किया जाता है, तो नीचे के टाइम में धुंधला दिखता रहता है। अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अभी एक हो रहे हैं इस समय, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ये। तो गाइस एक सीन यहाँ से लिए जाते हैं जहाँ पे हीरोइन जो आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे खड़े रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ से आपको ये वाला दिखेगा माधुरी दीक्षित जो आते हैं, तो ये वाला पॉइंट दिखेगा, ये लास्ट का ये वाला पॉइंट दिखेगा, क्योंकि ऊपर से फ़ोटो लेते हैं शायद ऊपर वो ड्रोन से, चाहे ऊपर से लेते हैं फ़ोटो गाइस, बहुत ऊपर से लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। और उस समय में ये जाली नहीं लगे रहते हैं, ओनली ये वाला दिखता है ये, और ये जो नीचे दिख रहा है ये वाला दिखता है, उस समय में ये जाली नहीं दिखता है। कुछ इस प्रकार का यहाँ का व्यू रहा गाइस। तो दोस्तों एक सीन यहाँ से लिए जाते हैं जहाँ पे माधुरी दीक्षित ये जो है ना ये वाला शायद पकड़ के बैठे रहते हैं, यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो इसमें खाली ये वाला दिखेगा और यहाँ पे ये पूरा धुंधला दिख जाता है, क्योंकि इवनिंग में चाहे सुबह के टाइम में शूटिंग किए जाते हैं, तो ये वाला यहाँ पे पूरा धुंधला दिखता रहता है। ये कुछ इस प्रकार से लेते हैं गाइस यहाँ पे बैठ के, तो ये वाला दिखता रहता है, क्योंकि अभी के समय में ये पूरा पहाड़े दिख रहे हैं। और गाइस एक सीन यहाँ से लेते हैं जहाँ पे सलमान खान और माधुरी दीक्षित रहते हैं, तो ऊपर से लेते हैं, जो कि ये जो दिख रहा है ना ऊपर से लेते हैं, तो उस समय में ये जो आपको दिख रहा है वो नहीं रहते हैं, ओनली आपको वैसी वो जो पिलर वाला घर पिलर की तरह बना हुआ है, क्योंकि वहाँ से वो पॉइंट दिखता है, तो उसके ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार का वो पॉइंट है गाइस। तो गाइस अभी फ़िलहाल हम जाने वाले हैं वो जो दिख रहा है वो वाला व्यू पॉइंट, वहाँ पे चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे चल के, जो कि वहाँ से भी सीन लिए गए हैं, क्योंकि आप सभी को हम दिखाए थे जहाँ पे माधुरी दीक्षित और सलमान खान जो गाना गाते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी हम ऊपर की ओर चल रहे हैं, क्योंकि आप सभी को दिखाने वाले हैं आगे चल के, ये देख सकते हैं और यहाँ के ऊपर में किस प्रकार से बना हुआ है दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे बता दें, तो यहाँ पे माधुरी दीक्षित और सलमान खान जो आते हैं, तो उस समय में ये जो दिख रहा है ना ये लाल कलर का, ये वाला मिला सकते हैं आप सब, और ये जो है ये टेल्स उस समय में नहीं लगा रहता है, उस समय में दूसरे टाइप का टेल्स लगा रहता है, जिसमें ये वाला कलर आप मिला सकते हैं, ये कलर रहते हैं ओनली, जो वो कलर अभी भी फिलहाल है ही, और इस समय में ये टाइल्स नहीं लगे रहते हैं, दूसरे टाइप का टाइल्स लगे रहते हैं, जो कि डरीर वाला सब लगे रहते हैं, उसमें उजर कलर का और भूरा कलर का लगे रहते हैं टाइल्स। और यहाँ पे अन्ना साहब भी बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? बोट हाउस, जैसा बोट हाउस हो गया, कोयम्बटूर एंड बोटानिकल गार्डन, तो यहाँ पे यहाँ का व्यू पॉइंट बहुत अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ पे भाई सब मिले हैं तो बोले कि हमारा भी एक वीडियो बनाओ और आप सब डाल सकते हैं, तो हम तो वीडियो बना रहे हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं होगा ना हमारे चैनल को? हाँ, तो यही सबका डर रहता है गाइस, मान के चलिए हमको बोला कि हमारे साथ तुम ब्लॉग वीडियो शूट करो, और हो सकता है कहीं स्ट्राइक दे सकता है, चैनल ब्लॉक करा सकता है, इसीलिए भाई से हम पूछ लिए। और यहाँ से क्योंकि हम जाने वाले हैं, वहाँ पे अंकल खड़े हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं गाइस, क्योंकि कहे तो हमसे भाड़ा लिया, तो जितना भाड़ा लिया गाइस उतना में हम तो यहाँ पे पहुँच भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, और यहाँ पे आएंगे तो आपको गमक आएगा, जैसे टी जो होता है ना टी का, और बहुत सारे पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं गाइस यहाँ पे। वैसे भी हम आप सभी को दिखा चुके हैं साजन मूवीज़ का शूटिंग लोकेशन, और ऋषि कपूर का तो एक मूवीज था जो कि दीवाने मूवीज, तो यहाँ से हम निकलते हैं दूसरे जगह पे गाइस, वहाँ पे अंकल भी खड़े हैं, देखो हाथ झुला रहे हैं ऐसे करके गाइस, क्या सब है अंकल? ट्रेन का, तो गाइस यहाँ पे ट्रेन सब मिल रहे हैं, अगर लेना है तो ट्रेन आप यहाँ से लेके अपने गांव जा सकते हैं। यहाँ पे इस घोड़े का नाम है, क्या नाम है ना इस घोड़े का? रेकी बॉय। तो गाइस इस घोड़े का राइकी वाइट नाम है, क्योंकि भाई घोड़ा लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं,
राखी वाइट गोरे का नाम है गाइस, क्योंकि तो यहाँ से हाँ पीछे लथार मारता है, लथार पैर से हाँ, तो गाइस ये लथार मारते हैं आगे से। यहाँ से हम निकलते हैं, अंकल इंतजार कर रहे हैं, चलिए अंकल। तो यहाँ पे अंकल हैं क्योंकि यहाँ से अब जाते हैं, निकलते हैं गाइस। बता दे तो तमिलनाडु में लमसम हम एक हफ्ता से यहीं पे हैं, तमिलनाडु में एक हफ्ते से हैं इस जगह पे, और आज हमारा ये लास्ट ब्लॉग है तमिलनाडु का गाइस। तो यहाँ से हम जाने वाले हैं बेंगलोर, और बेंगलोर जाने के बाद आप सभी को मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगा आप सभी को क्या बताते हैं आंध्र प्रदेश का गाइस, क्योंकि पुष्पा मूवीज़ का शूटिंग लोकेशन, और दिखाते हैं पुष्पा मूवीज़ का सेटअप और कहाँ कहाँ पे हुए थे जो कि आंध्र प्रदेश में। तो यहीं पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल पे आप सब नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, और आप सभी को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना है गाइस, जो कि पैलेस के बारे में। अगर कहीं भी जाते हैं तो हमको उतना मालूम नहीं रहते हैं, फिर भी आप सब जो बताएंगे कि उस जगह पे जाते हो तो उस जगह पे चले जाना, वहाँ पे भी मूवी शूटिंग है तो हम सर्च करके देखेंगे और उस जगह पे हम पहुँच जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।